जी हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे फुल बैलेंस में, हम लोग आई एन आर पी ए एफ टी यानी कि अकाउंट क्या क्या डिस्क्रिप्शन है हम लोगों ने वो पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंट, ब्रांचेज ऑफ अकाउंट, अकाउंट ब्रांच क्या क्या ब्रांचेज है, क्या क्या अकाउंटिंग के भाग है, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, इसके बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। ब्रांचेज ब्रांचेज ऑफ अकाउंट, देखिए देयर आर थ्री टाइप ऑफ ब्रांचेज, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ब्रांचेज। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड कास्ट अकाउंटिंग, एंड लास्ट फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंट, सेकेंड कास्ट अकाउंट, एंड लास्ट मैनेजमेंट अकाउंट। अब यहां पर आते हैं, सबका फंक्शन देख लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैसा अकाउंटिंग है जिसमें किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में उसके द्वारा एक साल में, या जो भी वो अपना बना रहा है, एक साल में उस कंपनी के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फिर से क्वेश्चन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है उस कंपनी के द्वारा वन ईयर में कितना प्रॉफिट लॉस अर्न किया गया, वो कंपनी प्रॉफिट की है या लॉस की है, इसमें बस ये नहीं है। सेकेंड आते हैं कास्ट अकाउंटिंग, अगर इफ यू अबाउट कास्ट अकाउंटिंग, तो कास्ट अकाउंटिंग स्टैंड हियर, सपोज ये कोई एक कंपनी है जो क्या बनाती है, एक मोबाइल, चलिए हम सपोज करिए सैमसंग मोबाइल, सैमसंग कंपनी है जो क्या बना रही है, मोबाइल बना रही है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कास्ट अकाउंटिंग में, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कास्ट अकाउंटिंग में ये देखा जाता है कि इस मोबाइल को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगे होंगे, क्या क्या वस्तुएं लगे होंगे, स्टील लगा हो सकता है, प्लास्टिक लगा हो सकता है, बैटरी लगा हो, यानी कि हम ये बोल सकते हैं एक मोबाइल को पूर्णतः तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर जब तक कि वो फंक्शन में ना आ जाए उतना तैयार करने के लिए, एडवर्टीजमेंट वगैरह को छोड़कर तैयार करने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है उसको बोलते हैं कास्ट अकाउंटिंग। और आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये होता है कि जैसे कि ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके, यानी कि एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग का क्या था कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब ये हम आपको बताते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर है, दोनों को एक बार हम देखते हैं और उसको समझते हैं, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर स्क्रीन को हम देखते हैं फुल क्लास के रूप में और उसको हम लोग समझते हैं। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब ये देखते हैं बुक कीपिंग, जी हाँ, अगर हम बात करें बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग के अंतर्गत IMRC ही बताते हैं, IMRC आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा क्या होता है। अब अगर बात करें अकाउंट,
राशि करता है तो बुक कीपिंग के अंतर्गत आएगा, एक व्यक्ति टोटल करता है उसको हम अकाउंटिंग के अंतर्गत रखेंगे। अब आते हैं, अब आई राशि कौन करता होगा, एक कलर कौन करता होगा, एक कलर करता होगा, ये आई एन आर सी एस ए सी कौन करता होगा, एक सी ए करता होगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस, ये बेसिक डिफरेंसेस। अब कलर की बात करते हैं, कलर क्या करता है, कलर जो है ये भी कोई कलर को कम करता है, तो एक जूनियर स्टाफ करता है, एक जूनियर स्टाफ करता है, और ये जो है ये वर्क कम करता है, तो ये जो वर्क है एक सीनियर स्टाफ करता है, एक सीनियर स्टाफ करता है, एक सीनियर स्टाफ करता है अकाउंटिंग का वर्क। अब आते हैं, ये जो है ये आई एन आर सी कलर किया, जूनियर स्टाफ किया, और ये जो चीजें हैं वो है क्या, ये प्राइमरी स्टेशन होती है, प्राइमरी स्टेशन होती है, ये कहां होती है, प्राइमरी स्टेशन। अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेशन होता है, सेकेंडरी स्टेशन किया जाता है, कहां पर होता है, सेकेंडरी स्टेशन पे किया जाता है। अब बताते हैं प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज क्या है। प्राइमरी स्टेज जहां पे खत्म होता है, प्राइमरी स्टेज जहां पे खत्म होता है वहां से सेकेंडरी स्टेज प्रारंभ होता है। जी हाँ, अब हम लगाते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये जो है रूटीन जाम है, यानी आई एल आर सी एन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या, ये रूटीन जाम है, क्या है, रूटीन जाम है, ये जो है रूटीन जॉब है, ये कैसा जॉब है, ये जो है रूटीन जॉब है, और ये जो है अकाउंटिंग एनालिटिकल, ये क्या है, एनालिटिकल, एनालिटिकल जॉब है या डायनेमिक जॉब है, यानी ये पर डे के बेसिस पे नहीं होता है, ये जो है रोज में नहीं किया जाता है, अकाउंट्स का ये हुआ और ये आपका बुक कीपिंग में होगा। देन आफ्टर हम लोग आते हैं, इसमें बुक कीपिंग में नो स्किल, नो स्पेशलाइज्ड स्किल, इसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइज स्किल का, यानी ये बोल सकते हैं नो स्पेशलाइज्ड, नो स्पेशलाइज्ड स्किल, बट यहां पे अकाउंटिंग है, स्पेशलाइज्ड स्किल तो चाहिए ही चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए ही चाहिए। चलिए, ये जो है बेसिक डिफरेंसेस है, ये बेसिक डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट, अकाउंट से क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, यानी ऑब्जेक्टिव मीन्स होगा उद्देश्य, अकाउंट बनाने का क्या क्या उद्देश्य होता है, अकाउंट को बनाया जा रहा है, इसके बारे में हम जानने वाले जल्दी से देखते हैं, क्योंकि हमने इसका वीडियो पहले बना रखा है। ठीक है, अगर आप इसको पूरे विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आप जो है उस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को और सेकेंड पार्ट को अच्छे से आप देखिए। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो सिंपल इसलिए क्या किया जाता है, ये इसमें जो पार्ट है इसमें फाइनेंशियल टर्म, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, पहले तो फायदा ये होता है, जिससे क्या फायदा होता होगा, इससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता होगा। अब हम लोग सेकेंड आते हैं, इसमें सेकेंड है टू, अब इसका ये शब्द क्या होगा, सेकेंड टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्या निर्धारित करेंगे, क्या जानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जानेंगे। देन आफ्टर हम लोग आते हैं, और क्या पता होगा, टू डिटरमाइन करेंगे, टू डिटरमाइन करेंगे हम लोग क्या, फाइनेंशियल पोजिशन, तो फाइनेंशियल पोजिशन भी क्या कर लेंगे। अब आते हैं फोर्थ, फोर्थ में क्या है, ये जो है
असिस्ट करता है, असिस्ट करता है, असिस्टेंस टू इसको मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट के लिए असिस्ट करता है। फिफ्थ जो है यह जो है फिफ्थ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट टू यूजर, इसको कम्युनिकेट करता है, यूजर्स को करता है। ये जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी से आ जाते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे है अकाउंट्स में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, ये जो है फिर वही बात है, एडवांटेज क्या है, जो फाइनेंशियल जो पोजिशन होता है, फाइनेंशियल पोजिशन जो होता है बिजनेस के, वो इसको क्या करता है, इन्फॉर्म, क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। दूसरा जो होते हैं फिर वही बात है, यह असिस्ट करता है, असिस्ट करता है किसको, मैनेजमेंट, इसको असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। फिर हाँ ये बड़ा दिन का दिन है, ये जो है रिप्लेस करता है, रिप्लेस मोड, रिप्लेस मोड इसका मतलब क्या होता है, देते हैं जैसे कि सपोज करिए कि हमने किसी को सामान बेचा, हमने किसी को कोई वस्तु दिया, वो उसको हमने माइंड में रखा, क्या माइंड में रखा था, हमने उसको 5,000 का सामान दिया, हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हम क्या करें, भूल जाए, इसलिए हम क्या करते थे, इसलिए हम लोग जो है इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक बुक बनाया जिसमें हमने लोगों सब रिकॉर्ड किया और उसको का नाम हमने जनरल दे रखा, ठीक है। यानी कि ये मेमोरी को रिप्लेस कर, वो ये बोलता है कि आप कुछ याद करो ही नहीं, आप सिंपल उसको लिख डाल, उसको रिकॉर्ड कर डाल। फिर हम लोग आते हैं फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी, ये क्या करता है, फैसिलिटेट कराता है कंपेरेटिव स्टडी, स्टडी को क्या करता है, फैसिलिटेट कराता है। अब कंपेरेटिव स्टडी कर दीजिए, सपोज करो ये मेरा एक कंपनी है, ये मेरा एक कंपनी है, एक दूसरी भी कोई कंपनी है, ये फर्स्ट कंपनी है, ये सेकंड कंपनी है। और हमने ये दिखाया कि साल के अंत में फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ और जब वो खत्म हुआ, यानी 31 मार्च को हमने ये पाया कि ये कंपनी जो है इसको कुछ पैसा है, जैसे मान लेते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस कंपनी को 12 लाख का प्रॉफिट हुआ, देना फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी जो है इस कंपनी से बेहतर, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि दो कंपनियों के बीच की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, हम फाइनेंशियल कंपनियां स्टडी बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ टर्म पे, पांचवा टर्म देख लेते हैं, फिफ्थ टर्म क्या है, पांचवा टर्म क्या है, तो ये है फैसिलिटेटेड लोन, फैसिलिटेटेड लोन क्या फैसिलिटेट करा था, लोन, जी हाँ। अब सीधी बात, जिस कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट होगा तो बैंक के पास जाएगा और अपना क्या सब कागज को दिखाएगा और बोलेगा कि ये देखिए ये सब कागज हैं और ये क्या है, हमको इतना प्रॉफिट हुआ है, तो बैंक क्या करेगा, बिना सोचे समझे उसको लोन प्रोवाइड करा देगा, वो लोन प्रोवाइड करा देगा, इसलिए लोन प्रोवाइड करा देगा क्योंकि उसको उस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इसलिए वो क्या प्रोवाइड कराएगा, लोन प्रोवाइड करा देगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग का वो, अब यहाँ पे जो है इवेंट मिलता है कोर्ट को, नेक्स्ट क्या है, इविडेंस मिलता है किसको, कोर्ट, इसको मिलता है कोर्ट को, जी हाँ। जब ये कोर्ट के पास में जाएगा, कोर्ट को अपने कागज दिखाएगा, तो कोर्ट भी इसको बहुत जल्दी से इविडेंस दे देगा, ये यानी कि बोल सकते हैं इविडेंस मीन्स एक प्रमाण, एक ये प्रमाण है, ठीक है, कोर्ट के पास, जी हाँ। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जी हाँ, जैसे कि सब चीज का एक अच्छा पहलू होता है तो एक निगेटिव पहलू भी होता है, तो इसकी निगेटिव पहलू क्या है उसको जरा देखते हैं, यानी कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ पे जाकर अकाउंट जो अपने आप को रोकता है, अपने आप को विथड्रॉ करता है, उसका क्या ड्रॉबैक है, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, हमने आपको पहले ही बता चुका है कि हमने ये सब सारी चीजें पहले आपको, यानी दो चैप्टर, यानी दो मेरा जो वीडियो बना है उसमें पहले से ही इंक्लूड है,
बस ये एक ग्लैंस है, बस आपको मैं इसको जानना चाहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशन है इसको हम देख लेंगे। फर्स्ट, अकाउंटिंग की क्या क्या बाधाएं हैं, कहां पर जाकर वो रुक जाता है, देख लेते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली Not fully, यानी कि क्या होता है, estimate किया जाता है। अब कैसे estimate किया जाता है, सपोज के लिए कोई सामान है जिसको बनाना है, तो कंपनी को जैसे कि अनुमान लगाया इस साल 2 लाख का मान लेते हैं कि हम इतना चेयर बना देंगे। हो सकता है कोई जुड़ाव मटेरियल जो आता था उसका कास्ट जो है बढ़ गया, तो यानी क्या होगा उसके बीच में दो राय हो गए, यानी वो बोला 1 लाख की बना देंगे, वो वस्तु वो गुड्स कितनी बनी 1,10,000 हो गई। तो यानी कि होता है अकाउंट कि हम इसको फुली एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। देन हम लोग आते हैं सेकेंड पे, जो आपको हमसे बताया था, क्या बताया था, इग्नोर करता है। इट जो है इट इग्नोर, ये क्या इग्नोर करता है, तो प्राइस लेवल चेंजेस वो ये क्या करता है, इग्नोर करता है। कैसे इग्नोर करता है, जैसे मान लेते हमने एक बिल्डिंग खरीदा या हमने एक जमीन खरीदा जिसका दाम 10 लाख था, कुछ दिन बाद उसका वैल्यू जो है 12 लाख हो गया, तो हमको 12 लाख से मतलब नहीं है, हमको मतलब किस चीज से, 10 लाख। ठीक है, यानी कि ये जो है इस चीज को इग्नोर कर देता है। जी हाँ, थर्ड आते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड ये इट इग्नोर, ये जो है इग्नोर करता है, ये इग्नोर कर देगा, क्या इग्नोर कर देगा, तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी हटा देता है, ये इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ये क्या करता है, ये हटा क्यों हटा देता है, जो सपोज के लिए मेरे पास देर आर रजिस्टर्ड वर्कर्स और उसमें से 2-4-5 वर्कर्स ऐसे हैं जो हमें पता है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, उसके बावजूद हम उनको रखे हैं या वो आते हैं बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम ध्यान ही नहीं देते। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग विंडो ड्रेसिंग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आ सकते हैं कि विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग क्या है, इसको लिख देते हैं। विंडो ड्रेसिंग वो चीजें होती है जैसे कि हम अपनी कंपनी से सपोज करिए कि मेरे कंपनी में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और हम उस कंपनी में अपने प्रॉफिट को दिखा रहे हैं 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि वी कैन इजीली से कि शो आवर प्रॉफिट मोर देन एक्चुअल प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा दिखाना ही क्या है, विंडो ड्रेसिंग है। तो हाँ माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का पूरा हम लोग ग्लैंस कर लिए, हम लोगों ने उसको एक बार अच्छे से देख लिया, दोबारा देख लिया। अब हम बात करते हैं आपको बुक की, बुक का सजेशन देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बुक खरीदना है डीके गोयल का बुक खरीदना है और जल्द से जल्द जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो बुक को परचेज कर लेंगे, क्योंकि डीके गोयल का बुक बहुत ही प्यारा बुक है, उसको आप पढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छा बुक है। देयर आर नो इश्यू, थैंक यू।